सो हेलो हैलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस, हमारा स्कॉर्पियो थीम पे जो इंटरफेस है ये आ गया है, एंड कैसे आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा इवेंट होने वाला है, आप लोग बहुत ही इजीली इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले भाई, आप लोग को लॉबी के राइट साइड पे यहाँ पे आइकन देखने के लिए मिलेगा, क्लिक करते ही आप लोग को इंटरफेस ओपन देखने के लिए मिलेगा प्रोजेक्ट क्रिम्सन। तो यहाँ पे आप लोग को सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, ज़्यादा कोई मुश्किल इवेंट नहीं होने वाला है। तो आप लोग को यहाँ पे नीचे टास्क बटन पे आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे टास्क पे बहुत सारे मिशन दिया गया है। डेली गेम प्ले करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और ये सब कंप्लीट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे टोकन मिलेगा। इन सब टोकन को आप लोग को कलेक्ट करके क्लेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एक टोकन क्लेम हो गया मेरा, एंड आप लोग को यहाँ पे डेली गेम प्ले करने के बाद ही टोकन मिलेगा, जिससे गाइस आप लोग नीचे जो आप लोग लेवल आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे भाई आप लोग देख पा रहे हो, हमारा पीक डे लॉगिन रॉड पे रखा गया है, यहाँ पे टोकन रखा गया है। साथ में यहाँ पे मैच मेथम पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे सीडी डिस्क रखा गया है। साथ में यहाँ पे जो लॉबी पे लगाने वाला प्लांट्री होता है वो सब भी यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे रॉड रखा गया है। इसी के साथ में गैस आप लोगों को यहाँ पे ईवो शॉटगन तो देखने के लिए मिल गया है ऑलरेडी, एंड स्पिन भी कर लिया। साथ में आप लोगों को यहाँ पे स्कॉर्पियो ईवो फिस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है जो आ गया हमारे यहाँ पे, एंड इसी के साथ में और भी बहुत सारे रिवॉर्ड रखा गया है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मोको स्टोर इवेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है, देन गैस आप लोग यहाँ पे इजीली स्पिन कर सकते हो। कम से कम यहाँ पे 800 से 900 डायमंड लगने वाला है, उससे ज़्यादा डायमंड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मेरे पास 9 डायमंड था तो मैंने कर दिया, तो फिस्ट नहीं निकला। और गैस भी बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, तो यहाँ पे आप लोग रिवॉर्ड बॉक्स देख पा रहे हो, एकदम से नीचे वाला बॉक्स पे आप लोग को यहाँ पे बैनर देखने के लिए मिलेगा, सिंपल सा बैनर है। एंड ठीक इसके ऊपर वाले बॉक्स पे आप लोग को अवतार देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग देख पा रहे हो लेवल 2 अपग्रेड करने पर मिलेगा। देन लेवल 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर का यहाँ पे ड्रेस देखने के लिए मिलेगा, कैरेक्टर नहीं है सिंपल सा ड्रेस है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ओरियन कैरेक्टर का ये ड्रेस आप लोगों को फ्री मिलेगा। एंड एकदम से लास्ट टॉप बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल से इवेंट है गाइस, ज़्यादा कोई खास मुश्किल इवेंट नहीं रखा गया, बस आप लोगों को टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, तो ये सब मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कैसे अपग्रेड करना होगा। तो सबसे पहले भाई आप लोग को यहाँ पे इवेंट इंटरफेस पे आना होगा। आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे जो टास्क मिशन बटन देखने के लिए मिला है इस पर क्लिक करना होगा, कॉम्प्लीट टास्क एंड गेट टोकन। तो आप लोग को यहाँ पे टोकन मिल जाएगा, तो किल करने के बाद भी आप लोग को यहाँ पे टोकन मिलेगा 6 किल का जो आप लोग देख पा रहे हो, तो ओके करते हैं। देन लेवल अप अपग्रेड देख पा रहे हो, 10 टोकन देने पर यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर कुछ इस टाइप का एनिमेशन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग का पहला लेवल अनलॉक हो जाएगा और यहाँ का जो बैनर ये भी मिल जाएगा। देन गाइस यहाँ पे मेमोरी सेक्शन भी अनलॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का ओरियन कैरेक्टर का मेमोरी देखने के लिए मिलेगा कैसे क्या होता है। तो स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे तो फिर भी टोकन मिलेगा, साथ में यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। देन वापस लेवल अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड जो बॉक्स है वो अनलॉक देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आप लोगों का इसे यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाएगा। देन यहाँ पे वापस मेमोरी पे आना, तो यहाँ पे पास्ट ओरियन में क्या क्या हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करके भी आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर का भी लुक चेंज हो गया है। तो ऐसे करके इसे आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, और ये जो ओरियन कैरेक्टर है आप लोग परमानेंट निकल सकते हो। तो ठीक इस स्टेप से गाइस आप लोग का इवेंट कंप्लीट करना होगा, बहुत ही सिंपल सा इवेंट है गाइस, आप लोग इसको जरूर कंप्लीट करना। दिन में आप लोगों को 10 टोकन करके मिलेगा, तो आप लोगों को धीरे धीरे लेवल अपग्रेड करना होगा। और इसी के साथ में गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो लेजेंडरी स्कॉर्पियो बंडल का आइकन, तो जी हाँ भाई 19 तारीख को हमारे इंडिया और बांग्लादेश दोनों सर्वर पे ये वाला बंडल देखने के लिए मिल जाएगा फेरेट व्हील के अंदर। तो इसको निकलना चाहता तो 19 तारीख तक वेट करो, आप लोगों को फेरेट व्हील पे देखने के लिए मिलेगा। एंड फेरेट व्हील पे कम से कम 1082 डायमंड खाता है, आप लोग को पता ही है, तो उस हिसाब से डायमंड रख लेना। और भी भाई 9 दिन या 8 दिन बाकी है, उसके बाद आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिम्सन थीम का ये जो इंटरफेस है ये सब इवेंट आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज के लिए बस इतने अपडेट रखते हैं गाइस, वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a-